अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर काफ़ी लंबे अरसे बाद आज मंदिर यहाँ पर आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? आज़ादी बड़ी नियामत है, थोड़ा सा दो मिनट। जिस मुल्क के अंदर अदल का निज़ाम टूट जाए, हमारे अपने बच्चे जजेस के बेडरूम तक पहुँच जाएँ, उस मुल्क की तबाही यकीनी है। इसलिए हम कहते हैं कि इसका हल, जिसको अंग्रेज़ी में पेनसिया कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लीडर है जिसका नाम है इमरान खान। अच्छा सर, आज़म सवाती साहब बहुत अरसे पहले बताते रहे, रो रो के, इमोशनल हो के बताते रहे, चीख चीख के बताते रहे कि ये जुल्म हो रहा है। ये जो आज मेरे घर तक जो है उनके हथकंडे पहुँचे हैं, कल आपके घर तक भी ये शोले पहुँचेंगे, लोगों ने यकीन नहीं किया, लोगों ने इसको मजाक में, हुकूमतों ने मजाक में उड़ाया, आपकी गवर्नमेंट ने, तो क्या समझती है? आज ये सामने वाजे हो चुका है। मैंने चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को कहा था, वीडियो पैगाम दिया था कि मेरे बच्चों के जो शोले मेरे घर तक पहुंचे हैं, मैं उस दिन से डर रहा हूं। खौफ करो बंदयाल साहब उस दिन से, जबकि ये शोले पाकिस्तान के हर छोटे बड़े जज के बेडरूम तक पहुंचेंगे। आज मुझे निदामत हो रही है कि जो कुछ कहा था सच कहा था, लेकिन सर शर्म से झुक रहा है। सोच रहा हूँ कि मेरा बस्ता रास्ता पाकिस्तान मेरी आंखों के सामने 76 साल की उम्र में कैसे तबाह हो। अल्लाह करे कि आज भी हम इस मुल्क को बचाने के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे करें, अदल का निज़ाम दें और जज और वकील को इतना आज़ाद कर दें, क्योंकि उनकी आज़ादी से मेरे मुल्क का मुस्तकबिल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल मंसूब। सर आज साइफर केस की समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस मुतालिक आप क्या कहेंगे सर? बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। पता चलेगा तो बताएंगे। इस वक्त आज़म सवाती साहब बहुत लंबे अरसे के बाद रुपोशी की जो ज़िंदगी थी, जो एकदम रुपोश थे, वो जो है आज एकदम से मंजरे यहाँ पर आए हैं, और उनका कहना है कि जो रुपोशी की ज़िंदगी है बहुत ख़तरनाक है, बहुत दर्द वाली ज़िंदगी है जो मैंने गुजार किया हूँ, और मैं वाजे बताता रहा हूँ कि चीख चीख के बताता रहा हूँ कि मेरे घर मेरे फैमिली के साथ जुल्म हुआ है, और आज फिर एकदम मंजरे यहाँ पर आए हैं। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।